पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 200 से ज्यादा सीट जीतकर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। टीएमसी की ओर से इस बार चुनावी मैदान में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी भी मैदान में उतरे थे। मनोज को पहली ही बार में काफी सफलता भी हासिल हुई है। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी बंगाल चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते। 35 साल के मनोज तिवारी ने शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के रतिन चक्रवर्ती को 32,000 से ज्यादा वोटों से हराकर राजनीति की पिच पर शानदार शुरुआत की है। चुनाव जीतने के बाद मनोज तिवारी ने कहा, मैं चुनाव के लिए तैयार था और मैंने जीत के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। मैंने शिवपुर में हर घर जाकर प्रचार किया था। चुनाव जीतते ही मनोज तिवारी को ममता बनर्जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद अपने 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस लिस्ट में क्रिकेटर मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है। मनोज तिवारी को ममता सरकार में खेल और युवा राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। वहीं बता दें कि मनोज तिवारी ने भारत के लिए 12 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक शतक भी है। IPL की बात करें तो मनोज तिवारी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इस खिताब को जीता भी हुआ है। IPL में मनोज ने 98 IPL मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 28.72 की औसत से 1,695 रन बनाए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।